Hi guys, welcome back to my channel. This is Tanvi and you're watching Blue World guys. So today I'll teach you how can make this face mask. ऐसा कॉटन का कोई भी फैब्रिक आप यूज कर सकते हो. मैं लाइनिंग के लिए भी सेम फैब्रिक यूज कर रही हूँ. आप कोई भी लाइनिंग के लिए फैब्रिक यूज कर सकते हो. उसके लिए आपको दो इलास्टिक चाहिए ऐसी. ये है 17 सेंटीमीटर की इलास्टिक है, आप देख पा रहे होगे. ये देखिए, ठीक है गाइज. आपने ऐसी दो कट कर लेनी है सेम. और गाइज इसका मैं आपको फैब्रिक की लेंथ बता देती हूँ. 6 इंच 6 इंच, यहाँ से भी 6 इंच है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, चारों तरफ से. आपने इसे चार टुकड़े आपस में रखकर कट कर लेने हैं. फिर आपने ऐसा एक मास्क बना, एक मतलब ड्राइंग बना लेनी है. ऐसा ड्राफ्ट के लिए एक ड्राफ्ट बना लेना है ऐसा. इसकी लेंथ मैं गाइज आपको बता देती हूँ. 4 इंच यहाँ से है गाइज, और यहाँ से 2.5 है. ओके, आप 2.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है. और यहाँ से आप देख पा रहे हो 4 इंच आप ले सकते हो. ओके गाइज, लंबाई आपने देख लिया 4 इंच है. फिर आपने ऐसे दो फैब्रिक ले लेने हैं. मैंने एक को, क्योंकि हम इसे लाइनिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं, और ये लाइनिंग के लिए भी है, दोनों के लिए फैब्रिक. ऐसे आपने दो टुकड़े कट कर लेने हैं. फिर आपने यहाँ पर एक मार्क कर लेना है स्ट्रेट. आप पेन या फिर कोई मार्कर किसी की भी हेल्प से ले सकते हो. आपने पहले यहाँ से इतना इसको स्टिच कर लेना है. आप सुई धागा या फिर ग्लू के साथ भी चिपका सकते हो, सुई धागे से भी कर सकते हो. मैं अभी इसमें स्टिच करूंगी. सो गाइज आप देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है इतना इतना. आपने भी ऐसे ही स्टिच कर लेना है. मैंने ब्लैक धागे से इसलिए किया है ताकि आपको स्टिच दिखाई दे प्रॉपर. फिर उसके बाद गाइज आपने इसको मार्क कर लेना है थोड़ा थोड़ा छोड़कर. अपने एग्जैक्टली नहीं कट करना ताकि हम स्टिच में भी रखें. और फिर यहाँ पर एक छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं. प्रॉपर शेप में आपने इसको कट करना है ताकि स्टिच के टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो गाइस. ऐसे इसको भी कट कर लेना है. अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे. सो गाइस हमने इन दोनों को ऐसे पकड़कर सेंटर में यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगा देनी है तरफ से, और नीचे की तरफ से यहाँ से दोनों तरफ से हमने इसको स्टिच कर लेना है. यहाँ से ऊपर से और यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया. अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे. 17 सेंटीमीटर ये इलास्टिक है. यहाँ पर हम इसके इलास्टिक अटैच कर देंगे अंदर की तरफ ऐसे. अब मैं यहाँ से आपको स्टिच कर दिखाती हूँ फाइनल लुक. सो देख पा रहे हो गाइस मैंने इसको इस अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है. अब हम ऐसे इलास्टिक को अंदर की तरफ रखेंगे और इस पर स्टिच कर देंगे. गाइस अब परफेक्टली हो गया है ये रेडी.
आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको प्रोसेसिंग समझ में आ गई है कि कैसे फेस मास्क बनाना है। सो प्लीज़ गाइज मास्क बनाएं और वेयर करें, क्योंकि ऐसे बाहर ना निकलें बिना मास्क के हम लोग सेफ नहीं हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ये फेस मास्क बनाकर अपने पास ज़्यादा से क्वांटिटी रख लें, ताकि अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को सबको हम इस वायरल से बचा सकें। सो गाइज ये वीडियो डेलिकेट उन लोगों के लिए भी होती है जो बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं। सो गाइज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइज, प्लीज़ फेस मास्क वेयर कर ही बाहर निकले, बिना फेस मास्क के बाहर ना जाएं। और अपनों को, अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को, सबको सेफ रखें। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ इसे शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू अ लॉट, बी सेफ एंड हेल्दी।